क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। बहू, अब अपने दाहिने पैर से इस कलश को ढक लो और अंदर आ जाओ। अरे गायत्री, बहू के चाल तो एकदम ठीक नहीं लग रहे हैं। तुम्हें संभल कर रहना पड़ेगा, अभी से उसके ऐसे हाल है, पता नहीं आगे जाके क्या करेगी। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। आप तो जानती हैं शादी में कितने रस्म और रिवाज होते हैं, है ना। थक गई है बेचारी, इसे आराम की जरूरत है। बेटा तुम मेहमानों को देखो, मैं बहू को अंदर ले जाती हूँ, अभी आती हूँ। शराब पी है तुमने? कुछ पूछा है हमने तुमसे? न जाने कौन सा नशा कर कर आई हो। नशा। ऐसी बहुत बेइज्जती करा चुकी हूँ हमारी। शांत हो जाओ, चुपचाप यहीं पर बैठो, बाहर मत आना। क्या हुआ माँ? और कुछ होना बाकी है, न जाने कौन सा नशा करके आई है घर में। माँ, लोगों का काम है बोलना, उन्हें बोलने दीजिए। और स्नेहा ऐसे नहीं है, वो थक गई है, आप भी जाकर आराम कीजिए। गुड मॉर्निंग माँ जी, जी लीजिए। माँ जी, माँ जी, क्या हुआ माँ जी? आप बहुत उदास लग रही हैं, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं बहू, कुछ नहीं। कैसी है खीर? अच्छी है ना? अच्छी है, बहुत अच्छी है। वाकई बहुत कमाल बनाई है। हाँ, फाइल मेरे पास है। बहुत अच्छा। स्नेहा, स्नेहा, प्रीतेश,
क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ जी? माँ, माँ, रितेश मुझे लगता है कि माँ की शादी की दुकान अभी तक उतरी नहीं। आइए माँ जी, मैं आपको रूम में ले जाती हूँ, आप थोड़ा आराम करें। स्नेहा तुम ये सब उठा लो, माँ को लेकर मैं जाता हूँ अंदर। ठीक है। हाँ। माँ क्या हुआ? माँ इतनी घबराई हुई क्यों? बेटा मुझे बहू के सब कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। हाँ फिर वही बात। अरे मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है वो। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर किसी बुरी आत्मा का साया है। हाँ आप, ये आत्मा आत्मा कुछ नहीं होता, आपने उसके लिए अपने दिमाग में गलत बातें बैठा ली। प्लीज ये बातें अपने दिमाग से निकालिए। हाँ ये तो मैंने खाने के टेबल पर ही निकाल दी थी बेटा, लेकिन जब फिर मैंने उसे खीर खाते हुए देखा। देख बेटा मेरी बात मान, उसके अंदर जरूर किसी बुरी आत्मा का साया है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अच्छा माँ आप बैठो यहाँ पे, आराम करो, मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है आप बैठो। माजी कैसी है? आराम करेंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है उनकी, पता नहीं क्या हुआ, भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो रितेश मैं सब समेट लेती हूँ। हाँ वो माजी ने कुछ खाया भी नहीं है ना, तो उनको नाश्ता दे के आती हूँ। हाँ सुबह से कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा सा फ्रूट्स खा लीजिए। इस चाकू से और क्या क्या कट सकता है? चाकू से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। बहू बहुत कुछ हो सकता है, चाकू से बहुत कुछ हो सकता है। माँ जी मुंह खोलिए। और अगर और भी कुछ चाहिए होगा तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। कुछ तो गड़बड़ है। हिम्मत मतलब? पति हूं मैं तुम्हारा। पति हो तो पति की तरह रहो, इसलिए शादी की थी क्या तुमने मुझसे? जब देखो पास आने की कोशिश करते हो, मेरे पास आने की हिम्मत मत करना, समझे? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
ऐसे क्या देख रहे हैं आप? तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। बिल्कुल सही कह रही थी, सच में स्नेहा के साथ कुछ तो गड़बड़ है। देख बेटा, मैंने तुझसे पहले ही कहा था, उसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। पहले तो तुम एक काम करो, उसके माँ बाप से बात करो, पूछो कि इतनी बड़ी बात उन्होंने हमसे क्यों छुपाई। आप सही कह रही है माँ, हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। रितेश, माँ जी नाश्ता लगाए, आगे कर लीजिए। हाँ हम करते हैं। स्नेहा, मैं क्या कह रहा था कि काफी दिनों से तुम अपने मम्मी पापा से नहीं मिले, तो क्यों ना उन्हें डिनर पे बुला ले। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं अभी उनको फोन करके आती हूँ। माँ जी नाश्ते के लिए आ जाइए। किसी भी आम इंसान का रोना, गुस्सा करना, डांटना, हंसना, ये उसके आसपास के माहौल या परिस्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन जब किसी इंसान का बर्ताव परिस्थिति से परे हो, तब उसे नजरअंदाज करना एक भयानक परिस्थिति को जन्म दे सकता है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन, क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। स्नेहा का बर्ताव अजीब नहीं बल्कि गायत्री देवी और रितेश के लिए गंभीर मसला बनता जा रहा था। हर रोज स्नेहा का बदलता स्वभाव उनके लिए एक नई मुसीबत ला रहा था। क्या सच में स्नेहा के ऊपर किसी आत्मा का प्रकोप था? क्या सच में गायत्री देवी और रितेश की सोच सही थी? क्या स्नेहा के बर्ताव के राज को गायत्री देवी और रितेश ढूंढ पाएंगे, या स्नेहा का ये रहस्यमय बर्ताव कोई और ही नई कहानी बयां करने वाला था? नई नवेली दुल्हन का ये बदलता बर्ताव आखिर किस नए जुर्म को अंजाम देने वाला था? आइए देखते हैं। बहुत खुश हुई गायत्री जी मेरी स्नेहा को इतना खुश देख के। मैं तो चाहती हूँ दोनों साथ रहे और खुश रहे। मेरा आशीर्वाद हमेशा इन दोनों के साथ है। तुमने सही कहा शारदा, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारी बेटी को रितेश जैसा पति मिला। खाना तो बहुत अच्छा बनाया है बेटा तुमने। मैंने आप लोगों के लिए गुलाब जामुन भी बनाए, अभी लेके आती हूँ। क्या बात है बेटा, सब ठीक है ना? हाँ मम्मी जी, पापा जी। देखिए आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन स्नेहा को कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम, हम कुछ समझे नहीं। स्नेहा जब से इस घर में आई है तब से कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रही है। ऐसे लग रहा है जैसे 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 उस पर किसी पूरी आत्मा का साया हो। आप होश में तो हैं? क्या बोल रही हैं आप? हमारी बेटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों से गलतफहमी हुई। बल्कि ये सवाल हमें आपसे पूछना चाहिए, क्या किया है आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ जो ये मन गढ़ंत कहानियां बना के मुझे सुनने के लिए बुलाया है यहाँ? मम्मी जी कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं सुना रहे आप। इस चक्कू से और क्या क्या कर सकते हैं अब बताइए। हाँ हम मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। देखिए जो सच है वो हमें बता दीजिए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं वो मुझे मार ना दे।
माजी, मैंने तो सोचा था कि तेरी अच्छे घर में शादी हुई है। नसीब से मुझे इतना अच्छा पति और सास मिली, पर आप मेरे माँ बाप के आगे मेरी ही बुराइयां कर रहे हो। देख बेटा, तुझे तो समझ में नहीं आता, पर हमने अपनी आंखों से देखा है, हम पर बीती है वो चीज, इसलिए हमने तेरे मम्मी पापा को यहाँ बुलाया, और अब ये हम पर इल्जाम लगा रहे। और क्या, सही सलामत बेटी दी थी हमने आपको, गड़बड़ आप लोग ने की है। क्या गड़बड़? हाँ, अरे ये तो रितेश है जो अब तक चुपचाप बैठा है, दूसरा कोई होता तो इसे अब तक मायके छोड़कर आ गया होता। अरे वाह माँ जी वाह, आप तो अपने ही बेटे की तारीफों के फूल बांध रही है, मेरी कमी बता रही है सबको। अरे अपने बेटे की कमी बताइए ना, क्या कमी है मेरे बेटे में? हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी बात कर रही हो स्नेहा तुम? आप तो रहने दीजिए माँ जी, पहले अपने बेटे का इलाज करवाइए फिर मुझ पे उंगली उठाइए। इलाज? ओ, आप तो ऐसी नादान बन रही हैं जैसे आपको तो कुछ कुछ पता ही नहीं है। बेटा ये क्या बोल रही है, कैसा इलाज? माँ मुझे भी नहीं पता। बड़े भोले बन रहे हो तुम, सबको सच्चाई बताओ कि आज तक इन्होंने मुझे छुआ नहीं है। हम पति पत्नी जरूर है पर अभी तक पति पत्नी बने नहीं। माफ कर दीजिए, मुझे ये सब बातें बोलनी नहीं थी सबके सामने, पर मुझे बोलने को मजबूर कर दिया गया है। तू रो मत बेटा, मैं इन सब को देख लूंगा। नहीं पापा, आप कुछ मत कीजिएगा, अब यही मेरा ससुराल है, बाकी की जिंदगी मुझे यही काटने दीजिए। देखा, इसे कहते हैं संस्कार, और आप लोग कहते हैं हमारी बेटी में प्रॉब्लम। अगर मेरी बेटी की आंख में आंसू का एक कतरा भी आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो शारदा। भाई साहब मेरी बात सुनिए, ये तो मुझसे पूछ रही हो? रितेश मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बीवी सिर्फ बातों में नहीं बल्कि बीवी बन के दिखाओ, और आज तक तुमने सबके सामने मेरा शर्म से सर नीचे कर दिया। क्या किया मैंने? क्या किया? ये तो मुझसे पूछ रही हो? सारे झूठे इल्जाम मेरे सर के ऊपर लगा दिए सबके सामने। हद है, प्लीज गुस्सा छोड़ दो, उससे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब देखो ना, तुम भी तो मुझे बोलते हो ना, तो सोचो मुझे कैसा लगता होगा। प्लीज ना, मैंने ये सब इसलिए किया था कि मुझे लगा तुम अपने मम्मी पापा को मिस कर रही हो, लेकिन तुमने तो सॉरी बेबी, यू नो आई लव यू। छान देती हूँ। स्नेहा बेटा, कल जो हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुमने अच्छा नहीं किया बेटा, पति पत्नी के बीच की बात जितना आपस में रहे उतना ही अच्छा होता है।
सही कह रही है माँ जी, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। आप मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अच्छी बात, तुमने समझदारी दिखाई और अपनी गलती भी मान ली। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दो। क्यों क्यों, मैं माफी क्यों मांग रही हूँ? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से नहीं, मैं क्यों गलती मांग रही हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पे हाथ उठाने की? तुमने मुझे छुआ कैसे? कैसे छुआ तुमने मुझे? चल निकल यहाँ से, निकल। सुना नहीं तुमने? निकल। तू भी आ गई? चलो दोनों निकलो यहां से, निकलो। माँ, स्नेहा की दिमागी हालत पहले से ठीक नहीं होगी और ये अचानक से तो हुआ नहीं। वही तो, इन सब ने मिलकर हमें धोखा दिया है। क्या बोल रहे थे अपने दोस्त को? हाँ, क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं बोल रहा मैं। मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। तो मेरी चुगली कर रहे थे ना उसके सामने? हाँ, मुझे मुझे पागल कह रहे थे ना? तुम इस घर में खुशियां लाने वाली हो। मतलब? क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ये सब क्या हो रहा है माँ? अब हम क्या करेंगे? इस मुसीबत से तो बस अब एक ही इंसान हमें बचा सकता है। वो कौन है? महंती जी। प्रणाम महंत जी। महंत जी, आशीर्वाद दीजिए हमारे बच्चों को ताकि वो हमेशा खुश और आबाद रहे। आयुष्मान भव। ओम सर्वेभ्य देवेभ्य नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सर्वेभ्य देवेभ्य नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महन जी, ये कौन सी बला लग गई हमारी बहू के पीछे? स्नेहा के ऊपर कोई आत्मा का साया नहीं है। मेरी मानो तो गायत्री जी, स्नेहा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए। प्रणाम। डॉक्टर? हाँ बेटा, शायद वो कह रहे थे कि स्नेहा की दिमागी हालत ठीक ना हो और उसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। माँ, स्नेहा की दिमागी हालत पहले से ठीक नहीं होगी और ये अचानक से तो हुआ नहीं। वही तो, इन सब ने मिलकर हमें धोखा दिया है।
शादी से पहले इसकी बीमारी हालत के बारे में बताया नहीं और अब ऐसे कर रहे हैं जैसे कि हमने सब कुछ किया। नमस्ते भाभी, रितेश है? हाँ हाँ, आइए ना अंदर, आप बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। जी। तुझे हुआ क्या है? कुछ नहीं। क्यों? मैं तुझे 3 दिनों से फोन कर रहा हूँ, मैसेज भेज रहा हूँ, ना तू कॉल बैक कर रहा है और ना ही मेरे मैसेज का जवाब दे रहा है। मैं थोड़ा बिजी था यार। ऐसा क्या बिजी था कि तू ये भूल गया कि तुझे ऑफिस भी आना है? बोल क्या हुआ यार। तू किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को जानता है? साइकेट्रिस्ट? हुआ क्या है? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा। मेरी वाइफ के पहचान में है तो एक साइकेट्रिस्ट, मैं तुझे पूछ के बताता हूँ। रितेश जरा किचन में आके चाय लेके जाना। क्या बोल रहे थे अपने दोस्त को? हाँ क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं बोल रहा मैं। मुझे सब पता, मुझे सब पता है। तुम मेरी चुगली कर रहे थे ना उसके सामने? हाँ मुझे मुझे पागल कह रहे थे ना कि मैं पागल हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सब पता, मुझे मालूम है तुम मुझे पागल साबित करना चाहते हो। मनोज बेटा, उसके आगे तमाशा मत करो। अच्छा तुम्हें दुनिया वालों की पड़ी है और मैं, मेरा क्या? रुक अब ही दिखा दूँ। मनोज, मनोज प्लीज मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे बचा लो। अभी क्या हुआ? ये लोग मुझे मारते पीटते, प्लीज मुझे बचा लो। स्नेहा ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ मैं। लोगों के सामने मेरी बुराई करते हो, मेरे पे इल्जाम लगाते हो। भाभी भाभी संभालिए अपने आप को, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, नितेश ऐसा नहीं है। नहीं मनोज, गलतफहमी मेरी नहीं। अगर मैं तुम्हें अपने कमर के निशान दिखाऊंगी ना तो तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। तुम देखना चाहते हो? नहीं भाभी, भाभी नहीं, भाभी भाभी नहीं, भाभी नहीं। प्लीज प्लीज मुझे इन लोगों से बचा लो, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज बचा लो। स्नेहा बंद करो तुम्हारे नाटक। मनोज तुम जाओ यहाँ से अभी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्यों अपने ऊपर आए तो अपने दोस्त को भेज रहे हो और कब से एक पीछे मेरी बुराई कर रहे थे तुम? स्नेहा बस। मनोज तुम जाओ यहाँ से प्लीज। मैं जाता हूँ। स्नेहा ये क्या है, क्या कर रही हो ये तुम? मैं कर रही ये सब मैं कर रही हूँ? तुम मुझे पागल समझते हो ना? हाँ तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो, तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो, तुम मुझे पागल बन। स्नेहा एक तरफ स्नेहा जिसका बर्ताव सबकी समझ से परे था, तो दूसरी तरफ स्नेहा के माता पिता का बर्ताव भी गायत्री देवी और रितेश को असमंजस में डाल रहा था। ऐसी क्या बात थी कि वो अपनी बेटी के ससुराल वालों से एक दूरी बना बैठे थे? क्या छुपा रहे थे वो लोग? ये चल क्या रहा था इस घर में और इन सबके पीछे की मंशा आखिर थी क्या? आइए देखते हैं। तुम इस घर में खुशियां लाने वाली हो। मतलब मैं दादी बनने वाली हूँ। अब मुझे पूरा यकीन है सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अब तुम आराम करो हाँ, और बिल्कुल टेंशन मत लो, समझी? चलो चलो मुँह खोलो। बोला ना नहीं खाना मुझे। देखो स्नेहा प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, तुम्हें खाना पड़ेगा, चलो मुंह खोलो। कहाँ ना नहीं खाना मुझे, तुम्हें समझ में नहीं आता? पागल बना के रखा इस बच्चे ने मुझे, जाओ यहाँ से। ये क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही, ये बच्चा बकवास है। मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। क्या बोल रही हो स्नेहा, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो?
एक बार ये हमारी जिंदगी में आ गया ना तो सब सही हो जाएगा और तुम भी एकदम ठीक हो जाओगी। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। कहाँ ना जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ। तुम्हारे मम्मी पापा को बताता हूँ कि तुम कैसे मुझे टॉर्चर कर रही हो। तुम उन्हें क्या बताओ, सब कुछ उन्हीं की वजह से तो हुआ है। मतलब ये कि मुझे ये शादी नहीं करनी थी, जबरदस्ती की गई मेरे साथ। मुझे तो पता भी नहीं चला मेरी शादी कब हो गई। मुझे दवाई दी गई ताकि मुझे होश ही ना रहे। स्नेहा बेटा, वो उस कमरे में भी नहीं है। पता नहीं माँ कहाँ चली गई वो। कहीं वो अपने घर तो नहीं चली गई? जरा उसके मम्मी पापा से बात करके पूछो। मैं फोन करता हूँ। नहीं उठा रहे। एक बार दोबारा कोशिश कर। नमस्ते पापा जी। पापा जी, स्नेहा है वहां पे? नहीं, वो तो यहाँ नहीं। अच्छा, सुबह सुबह यहाँ से चली गई थी। मुझे लगा आप लोगों को पता होगा। तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें पता होना चाहिए वो कहाँ गई है। कहीं तुमने उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया? अब गायब होने का नाटक कर रहे हो। हम क्या करेंगे उसके साथ, वो कर रही है हमारे साथ। ढूंढो मेरी बेटी को, याद रखना। अगर वो नहीं मिली और उसे एक खरोज भी आई, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। कहां गई थी तुम? बच्चा गिरवाने गई थी। क्या कहा तुमने? तो तुमने सुना, बच्चा गिरवाने गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? पुलिस को बुलाऊंगी और दोनों माँ बेटे को जेल के अंदर करवा दूंगी। समझ में आया? समझाइए ना अपने बेटे को। पुलिस तो मुझ पर यकीन करेगी ना, आपके बेटे पर थोड़ी ना। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। बाहर आके क्यों बात कर रहे हो? वो घर में बैठी है। अच्छा सुन, तूने स्नेहा की जो डिटेल्स डॉक्टर को फोन पर बताई थी, उन्होंने उसके हिसाब से रिपोर्ट तैयार की। ठीक, वो मेरी बीबी की दोस्त है, इसलिए काम आसानी से हो गया, वरना बिना पेशेंट देखे वो रिपोर्ट तैयार नहीं करती है। थैंक्स मनोज यार। क्या लिखा है रिपोर्ट में? यही कि उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसे बिहेव करती है। तुझे बहुत संभल के रहना होगा मेरे भाई। और ये बात कंफर्म है कि बीमारी उसकी शादी के पहले की है। उसके माँ बाप ने तुझसे ये बात छुपाई है। मुझे पता है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वो बहुत खतरनाक होती जा रही है। प्यार से डील कर उसे, डॉक्टर के पास लेके जा। उसका इलाज शुरू होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये कुछ दवाइयाँ हैं, ये दवाइयों से देते रहना। लेकिन उसे डॉक्टर के पास हो सके तो जरूर लेके जा। डॉक्टर ने खास कर इस बात पर जोर दिया। ठीक है, ख्याल रख, मैं आता हूँ।
स्नेहा ठीक है, तुम बच्चे के लिए रेडी नहीं थी, तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया, लेकिन जो हुआ वो ठीक है स्नेहा, इस सारी बात को भूलो। देखो जो डॉक्टर ने तुम्हें दवाई दी है ये दवाई ले लो स्नेहा। नहीं, स्नेहा प्लीज प्लीज स्नेहा दवाई ले लो प्लीज। यूं अचानक हमें क्यों बुला लिया? सब ठीक तो है ना? पापा, मम्मी, ये लोग मुझे पागल समझते हैं। हाँ, ये देखिए, ये दवाई देने चले थे मुझे ये। चलिए आप लोग चाय नाश्ता। क्या हुआ स्नेहा? ये क्या है? हाँ, हाँ। आपका बेटा और आप मुझे पागल समझते हैं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि दिमागी बीमारी भी एक तरह की बीमारी होती है, ये बस उसी का इलाज है। शायद तुम मानती नहीं, इसलिए रितेश ने तुम्हें चोरी से देने की कोशिश की। और आप लोगों को भी ये सब बात हमें पहले बताना चाहिए था ना, रितेश इससे बहुत प्यार करता है और अब तक वो इस सदमे से उभर नहीं पाया है। ओहो, अच्छा, वरना आप इसे घर से निकाल देती। जरूरत पड़ने पर वो भी करती। आप अपनी गलती मानने की बजाय मुझसे उल्टी बातें कर रही हैं। मेरी माँ से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? देखा आपने, आपकी बेटी आपके सामने मुझ पर हाथ उठा रही है, ये है संस्कार इसके। बेटा दिखा दो इन्हें हमारे संस्कार। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे मम्मी पापा से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। बड़ी देर लगा दी होश में आने को तुमने। मेरी माँ को छोड़ दो, क्या चाहिए तुम लोगों को? तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ कहती है कि मैं घर से निकल जाऊं, ऐसे कैसे? बहू हूं ना आपकी, तुम्हारी पत्नी हूं ना, अगर शादी की है तो पैसे लेके जाऊंगी। कितने पैसे चाहिए? कितने? 30। हाँ, 30। 30 लाख दो और मैं चली जाऊंगी। 30 लाख? 30 लाख मैं कहां से लाऊंगा? क्यों नहीं ला सकते? तो दोनों माँ बेटा जेल जाओ। जाना है तुम्हें? जेल तो तुम जाओगी और तुम्हारे माँ बाप। तुम जाइए ना अपने बेटे को, पुलिस तो मुझ पर यकीन करेगी ना, आपके बेटे पर थोड़ी ना। ठीक है थोड़ा वक्त दो। नहीं, अभी चाहिए बेटा, उसे थोड़ा वक्त तो दे दे। तुझे किसने कहा बीच में बोलने के लिए? हेलो हेलो मनोज, मुझे 30 लाख रुपए की जरूरत है, अर्जेंटली चाहिए। चल चल चल।
क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। तुझे किसने कहा बीच में बोलने के लिए? हाँ स्नेहा, स्नेहा बेटा शांत हो जा, बेटा शांत हो जा। ठीक है, सुबह तक का वक्त दिया तुम्हें। स्नेहा बेटा, मैं तो सोचती हूँ पैसे लेने के बाद दोनों माँ बेटा को मार देते हैं, फिर ये घर भी अपना। अरे इस्तेमाल किया है स्नेहा का आपने, उसकी बीमारी का इलाज कराने के बजाय उसका फायदा उठा रहे हैं आप लोग। चुप कर तू, कुछ नहीं हुआ मेरी बेटी को। बेटा पैसों के इंतजाम के बारे में सोचो, ये फालतू की बात छोड़ो। लेकिन यहाँ पे बैठे बैठे पैसे कैसे लाऊं? मुझे खोल दो, मुझे कुछ फोन करने पड़ेंगे। तुझे खोल दूं? हाँ? मुझे बेवकूफ समझाएगा तूने? ताकि तुम चला के दिखाओ मुझे? हाँ? कोई भी चालाकी करने से पहले एक बार अपनी माँ के बारे में जरूर सोच लेना। हेलो हेलो मनोज, मुझे 30 लाख रुपए की जरूरत है, अर्जेंटली चाहिए। इतनी बड़ी रकम? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, तू जल्दी से पैसों का इंतजाम करके घर पे पहुंच। पैसे लाया हूं। पकड़ो इसे। स्नेहा, काश आपने अपनी बेटी का इलाज कराया होता तो आज उसे जेल नहीं जाना पड़ता। अरे आप तो मां कहलाने के लायक भी नहीं, अपनी बेटी की बीमारी को बीमारी की तरह नहीं बल्कि एक बेइज्जती की तरह देखा। अरे हम तो इलाज कराना चाहते थे इसका, लेकिन आप इससे पैसा कमाना चाहते थे, आपको शर्म आनी चाहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। स्नेहा, ये लड़की तेरे लिए खतरा है भाई, इसलिए कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना, मैं तेरी बातों से समझ जाऊंगा कि स्नेहा तेरे सामने। ठीक है। काश आपने अपनी बेटी का इलाज कराया होता तो आज उसे जेल नहीं जाना पड़ता। अरे आप तो माँ कहलाने के लायक भी नहीं, अपनी बेटी की बीमारी को बीमारी की तरह नहीं बल्कि एक बेइज्जती की तरह देखा। अरे हम तो इलाज कराना चाहते थे इसका, लेकिन आप इससे पैसा कमाना चाहते थे, आपको शर्म आनी चाहिए। स्नेहा की दिमागी बीमारी एक ऐसी जटिल मानसिक बीमारी थी जिसमें रोगी का मन लगातार कई महीनों या हफ्तों तक बहुत उदास रहता है या बहुत ज्यादा उत्साहित रहता है। ये एक तरह का साइक्लिक यानी कि चक्रीय डिसऑर्डर है जिसमें पीड़ित व्यक्ति की मनोदशा बारी बारी से दो अलग और विपरीत अवस्थाओं में जाती रहती है। बहुत तरीके के मूड स्विंग्स यानी आपकी मनोदशा में उतार चढ़ाव होते हैं, किसी भी चीज में मन नहीं लगता, कभी गुस्सा आता है, कभी हंसी तो कभी रोना। ऐसा डिप्रेशन जिसका इलाज है, लेकिन स्नेहा के माँ बाप ने ना ही इस बात को स्वीकार किया और ना ही कभी स्नेहा का इलाज करवाया। और ये बीमारी इतनी फैल गई थी कि स्नेहा पूरी तरह से उसके चपेट में आ गई थी। रितेश के साथ बेटी की शादी करवाना महज अपनी मुसीबत उसके गले डालना था, और जब उनका ये प्लान नाकामयाब रहा तो उन्होंने स्नेहा को मोहरा बनाकर उसका गलत इस्तेमाल करते हुए सामने वाले को लूटने का प्लान बना लिया था। अगर उसका सही से इलाज होता तो आज वो एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती। दोस्तों, अगर आपके घर में
या आपके आसपास कोई इस तरह की मानसिक बीमारी से जूझ रहा हो तो हमारी गुजारिश है आपसे कि आप बिना देर किए तुरंत उसका इलाज करवाइए और एक जिंदगी को बर्बाद होने से बचाइए। डिप्रेशन एक बीमारी है और उस बीमारी का चिकित्सक से सही इलाज करवाने की सलाह देते हुए अब मैं गिरीश जैन प्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड से विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ, क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।